हे गाइस, वेलकम बैक टू द नदर ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से लास्ट ब्लॉग एंड हुआ था, और यहाँ पे हम ऑटो में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं लो चली मैं अपनी मम्मी से मिलने। जी हाँ, मम्मी पापा बहनें सब से अब मिलने जा रहे हैं। सुपर डुपर एक्साइटेड वी आर। और बस अभी चल रही ऑटो और बस हमारा एरिया आ ही गया है। अभी फटाफट से हम पहुँचेंगे और सबका चेहरे का एक्सप्रेशन हम नोट करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलो फटाक से चलते हैं मम्मी के घर। सुनो डैड, कहाँ है बाबू? बाबू भी है, बाबू भी है, बिग ग्रो बन के आया है बाबू। तू भी तो सारे मैं भी हूँ। अरे बाप रे बाप रे, बैग छोड़ बैग चला रही है ना। आओ आओ बाबू के चेहरे के चेहरे चलो सुनो एकदम देखते कोई कोई अरे माँ हाथ में हाथ नहीं करूंगी टोकी। अरे बाप रे देखो ना इसको हटा ना 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 ओए आमा के चीने चीज मासी कोई मासी मासी कोई कंडा मासी ओए ओट्टा इटा की आमी आमी बाबू कोई बाबू आओ दीजू आओ आपका भी तेरे चेहरे से ज्यादा ওলে বাবু কি বড় হয়ে গেছে। ছোড় দে মা খা লুম का कर सकते हैं। मैं ऐसे तो पराठा खिलो ना, ये एक्चुअली आलू पराठा भी खाया है, ये तो खाया है। सुना पांच चॉकलेट भी खा लिए। अरे चना ए लग दे रखते ही ये क्या एक्साइटमेंट है, किस चीज की एक्साइटमेंट है। ये कोई ना सुन कर भाई चेक मारा चना मनीषा জল খাবে না তো তুই বাহার কি যা রে জাগি রে জাগি রে কোন বল কর দিয়ে আসছে আসছে হাসছে কোন দে বেলুন বেলুন बैलून दे बोसे किंतु पलटे है सपोर्ट चाहिए सामने पलटे सामने हाथ रखे बोसे पलटे जाए ऊपर बोसे चो मिमी का वो लेना है, सॉक्स लेना है, हेयर बैंड लेना है और पैंटी वो फ्रॉक के नीचे पहनाने वाला। कौन कहते हो चलिए डायपर पहनाऊंगी ना। तो डायपर सूट पहनेगी क्या, उसके अंदर पैंट नहीं पहनेगी। नहीं पहनेगी। तो हो गई डायपर के साथ उसका। दो। अच्छा है। ये हर एक उतने साइज में होगा कि कौन सा साइज है। साइज साइज के और कलकत्ता से लाया पता नहीं। वो नहीं दूसरे दिन उठाएंगे फिर। ए दूसरे दिन खेलते। बात कर रहे थे। ना ना भाग खेलेंगे। देखो माने बिछड़े हुए साथी जैसे कर रहे हैं लोग। गोदी में रहती थी ये चुटरी, अभी देख खेलते। ब्रेकफास्ट वगैरह मम्मी आलू के पराठा वगैरह बनाई थी, वो हम खा लिए और आराम से बैठ के गपशप कर रहे हैं। बहुत दिनों की हमारी गपशप पेंडिंग है। अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, माइंड में बैठ गया। इधर है मासी लोग काटते बेटा।
यही फोटो वाला चाहिए। हेलो गाइस, ये 6,500-7,000 का ट्रीटमेंट ले रहे हैं गाइस। बाबू अगली बार नहीं आएगा? आएगा ना, अगली बार नहीं आऊंगा बोलते आएगा। साली साहिबा और ये है हमारी फ्रेंड। इनके लिए, इनके लिए मुंह क्यों छुपा रही हैं? हाँ, क्लोजअप। ये काफी शर्मीली हैं, पहली बार गई हैं। आमी की कोचित, ये हमारी आरू, ये उनकी अम्मा। क्यों? ये हमारे बाबू, हमारी बिटिया, और ये इनकी मम्मा अदीरन दादा, ये बिटिया की मम्मा और बिटिया के पापा। की बोल बोल क्या कर दिया जो उसको बोल। इधर इधर करना, ले दाई ले क्या एको को करो। मामा बड़ी जाए। वाह वाह, कितना सुंदर है। वहीं से लाए इन लोग, बहुत सुंदर बना। रुक 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 रुक, थोड़ा थामो ना, बीच में दूर दूर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये केक हो रहा है। मिमी का 6 मंथ बर्थडे कंप्लीट हो गया है, इस उपलक्ष में केक काटे जा रहे हैं। उससे पहले फोटोग्राफ्स वगैरह लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर केक कटिंग होगा। और 6 मंथ बर्थडे मिमी सब मासी के साथ और नाना नानी सबके साथ मना रही है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ हमेशा हम लोग अकेले अकेले मनाते थे, कोई आ नहीं पाता था। इस बार सब हम मिलके मना रहे हैं, बस दादा दादी की कमी है, तो वो आ पाते तो और अच्छा होता, बट कोई नहीं, वो तो आएंगे ही। मिमी का अन्नप्राशन जो है, तो उसके बाद फिर सब मिलके हम फिर से केक काट लेंगे, है ना। आरू जा बेटा, आजा। हाँ, जल्दी बैठा, जल्दी बैठा, जल्दी बैठा। तीनों का, तीनों का। और हाथ, और हाथ, मेरी हाथ। चल होएगा, किचु ना, किचु ना। भाई बोल, एदिके एदिके बाबू एदिके। और यहाँ पे हमारी मिमी रोना स्टार्ट करती है, बिकॉज सबका फेसेस ये नया नया है उसके लिए। वैसे तो फ़ोन में बात होती रहती है वीडियो कॉलिंग में, बट फेस टू फेस मिलना बहुत कम हुआ है, ना के बराबर, इसलिए उसका रोना चालू हो गया। बट कोई नहीं, वो शांत हो जाएगी। तीनों भाई बहन सिंगल फ्रेम में काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। और आरू से तो मैं मिली थी जब वो बहुत छोटी थी, 1.5 महीने की थी तब से, तब मिली थी। और अभी वो 1.5 साल की हो रही है तब मिल रही हूँ, तो 1 साल तो मैं खुद भी उससे नहीं मिली हूँ, तो काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, चेंज चेंज लग रही है। तो चलो अब फटाफट से हम केक काट लेते हैं, बिकॉज बच्चे रहने नहीं देंगे, और रोना रोना चालू रहेगा ही, क्योंकि जहाँ बैठते हैं तीन यार वहाँ होता है रोना शुरू। ये देखो मिमी भी अभी गोदी में हमारी रह नहीं रही है, तो चलो अभी फटाफट से हम केक काटते हैं, बिकॉज मिमी का रोना कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले केक काट लेते हैं। और हाथ धोर हैप्पी 6 मंथ हैप्पी 6 मंथ मिमी। चलो उसको दे दो, उसको दे दो, तो अभी डिनर वगैरह हो गया है और अभी हम छत पे आ गए हैं, बिकॉज छत का जो एक कॉर्नर है वो डेकोरेट करना है। कल मिमी का अन्नप्राशन है, यहाँ भैया भाभी भी आ गए हैं, तो सब हम डेकोरेशन करने में ही लगे हुए हैं। और जो होटल में है वो सब डेकोरेट तो हमने वेंडर को दे दिया है, बट ये हम खुद से कर रहे हैं। इंटीरियर डेकोरेटिव एक्सपर्ट आर्किटेक्ट। रिकॉर्ड होच्छे कने? अरे वही तो बोले थे।
कैमरा मैन इज रेडी आगे सीनियर एक्सपर्ट दादा सीनियर एक्सपर्ट ये आए हैं स्पेशली हैदराबाद इंटीरियर एक्सपर्ट बिरयानी लेके रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारे मेडिकल कभी भी आपातकालीन जरूरत पड़ सकता है अरे इसमें फूल दिखेगा ही नहीं यार बैकग्राउंड अरे उड़ ना जाए हवा में आंधी तूफान किछु ना लगा लेव किछु होबे ना लगा देखि।